हेलो जी, क्या हाल चाल है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको द बेस्ट ऑफ यू इन माय माइंड का पार्ट 4 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की ओर। एपिसोड 4 की स्टार्ट में हम लिंशी को देखते हैं जो होती है अपने रूम पे और उसकी रूमीज उसके लिए खाना लेकर आती हैं, क्योंकि लिंशी रूम के बाहर नहीं जा रही है रूमर्स के चलते। तो उसे ली यांग पूछती है कि क्या लिंशी को लोगों की बातों का इतना असर पड़ता है। तो फिर उसके पास उसके लिए एक सजेशन है और कहती है कि वो शूफांग के पास जाए और कहे कि वो इन रूमर्स को क्लियर करे। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिंशी पहुंच जाती है शूफांग के हॉस्टल के बाहर और इस पोजीशन में बैठ कर शूफांग का वेट कर रही होती है कि जब शूफांग उसके पास आता है तो उसे पूछता है कि क्या उसे पेपर की ज़रूरत है। वैसे वो इंडिया में होती तो उसे पानी के लिए पूछा जाता। तो लिंशी बोलती है कि उन दोनों को लेकर बहुत सारे रूमर्स फैले हुए हैं कि वो शूफांग के पीछे पड़ी है। तो शूफांग भी बोलता है कि हाँ, तो इसमें गलत क्या है, वही तो थी जिसने उससे उसकी चैट आईडी मांगी और जब उसने मना कर दिया तो लिंशी ने उसके ऊपर अटैक कर दिया। क्या पता लिंशी का कोई गलत मोटिव हो। तो लिंशी बोलती है कि शूफांग को लेकर उसकी सिर्फ एक ही मोटिव हो सकती है और फिर उसको पीटने चल देती है। बस शूफांग चिल्लाने लगता है तो बेचारी लिंशी डर के भाग जाती है और बाद में उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो प्लीज़ उन रूमर्स को क्लियर कर दे। बट शूफांग लिंशी की बात मान सकता है नहीं ना, तो वो वहाँ से चला जाता है। और नेक्स्ट डे से तो लिंशी शूफेंग को परेशान करना चालू कर देती है। कॉलेज में उसके बैग पे एक क्यूआर कोड चिपका देती है जिसे स्कैन करने पर शूफेंग की एक फनी सी पिक आती है। तो कभी वो शूफेंग के मोबाइल से उसके डिलीवरी एड्रेस चेंज करके खूब सारे खाने ऑर्डर कर लेती है। हालांकि इसके बारे में शूफेंग को पता होता है बट उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एक दिन तो वो हद ही कर देती है। जब शूफेंग अपने कपड़े धुलने को लगाता है तो लिंशी उसके धुल रहे कपड़ों में एक टेडी बियर डाल देती है पिंक कलर का। और जब शूफेंग अपने कपड़े देखता है तो उसके कपड़े में सारा रंग चढ़ चुका होता है। तो जियांग बोलता है कि शूफांग उस टेडी को उसको दे दे क्योंकि वो बहुत ही क्यूट है। एंड शूफांग वाज लाइक, तुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। और उस टेडी बियर को वो जियांग के धुल रहे कपड़ों में डाल देता है। एंड जियांग वाज लाइक, यार इतना भी क्यूट नहीं था। नेक्स्ट सीन में लिंशी अपने काम पे प्राउड फील कर ही रही होती है कि तभी लियांग उसे बताती है कि शूफांग ने पोस्ट डाली है कि उसे एक लड़की हराज कर रही है क्योंकि उस लड़की को उसने अपनी चैट आईडी नहीं दी थी। और ऑब्वियस सी बात है कि ये उसने लिंशी के लिए ही लिखा था। तो इसीलिए नेक्स्ट सीन में लिंशी पहुंच जाती है सीधा शूफांग के पास और बोलती है कि उसने नेट पे ऐसे पोस्ट डालकर अच्छा नहीं किया है, अब वो देखेगा कि वो उसके साथ क्या क्या करती है। बताओ, अभी इनका कुछ और करना बाकी ही है। नेक्स्ट डे शूफेंग अपनी टीम के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है बट उसकी टीम के कुछ मेंबर्स उसके साथ प्रैक्टिस नहीं करना चाहते थे बिकॉज उनके अकॉर्डिंग शूफेंग टीम का कैप्टन है बट उसे आर्चरी की बेसिक्स भी अच्छे से नहीं आते हैं। देन जियांग शूफेंग को बताता है कि लिंशी ने अपनी यूजर नेम चेंज कर ली है और उसका नया यूजर नेम है शूफेंग्स क्यूटी और सिर्फ शूफेंग्स की पिक्चर ही पोस्ट की है। और शूफेंग के लिए बहुत सारी सस्ती वाली शायरियाँ भी लिखी हैं, जैसे कि शूफेंग पिछले जन्म में सोडा था तभी तो इस जन्म में उसे देखकर उसके दिल में बुलबुले उठते हैं। और इसी तरीके की बहुत सारी शायरियाँ थी जो सारे जियांग उसे पढ़ के सुना रहा होता है। हालांकि लिंशी ये सारा काम सिर्फ शूफेंग को परेशान करने के लिए कर रही होती है क्योंकि शूफेंग ने पोस्ट डाली थी कि कोई उसे हराश कर रहा है बट उसका ये प्लान उसी को बैकफायर करता है। और नेक्स्ट सीन में लाइब्रेरी में हम देखते हैं कि शूफेंग उसको पिन करता है और उसके साथ फ्लर्ट करना चालू करता है और बोलता है कि लिंशी ने जो शो चालू किया है वो उसी को कंटिन्यू कर रहा है। बट लिंशी बोलती है कि चाहे तो शूफेंग उस पर गुस्सा कर ले बट प्लीज़ उसे ये चीज़ी लाइनें ना बोले। बट शूफेंग फिर भी उसको स्माइल पास करता है एंड लिंशी फाइनली बोलती है कि ठीक है, वो उसके सारे पोस्ट हटा देगी और शूफेंग की कंडीशंस को भी मान लेगी बट वो प्लीज ये सब कुछ करना बंद करे क्योंकि उसको इसकी आदत नहीं है। एंड आई वाज लाइक, यार ये इतनी जल्दी हार मान गई। तो शूफेंग उसे आर्चरी क्लब ज्वाइन करने को कहता है क्योंकि उनको एक असिस्टेंट की जरूरत थी और उसमें मिलने वाली सैलरी से लिंशी भरपाई करे उस मेंटल टॉर्चर की जो उसने उसे दी है और फिर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में लिंशी सारे ऑनलाइन पोस्ट को डिलीट कर रही होती है जो उसने शूफेंग के लिए की थी। नेक्स्ट डे लिंशी को देखते हैं शाओवेन के साथ यूनिवर्सिटी में जहां वो लोग कैट्स को खाना खिला रहे होते हैं। और लिंशी शाओवेन से पूछती है किसी पार्ट टाइम जॉब के लिए बट शाओवेन उसे बताता है कि अभी फर्स्ट ईयर में लिंशी काफ़ी बिजी रहेगी तो उसके पास टाइम नहीं होगा पार्ट टाइम जॉब्स के लिए। तो अच्छा होगा कि वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करे और इसके लिए उसे किसी एक्स्ट्रा एक्टिविटी को भी ज्वाइन करना होगा क्योंकि स्कॉलरशिप में उसकी भी पॉइंट्स काउंट होते हैं। तो लिंशी पूछती है कि क्या अगर वो किसी टीम के असिस्टेंट बन जाए तो वो भी पॉइंट काउंट होगा। तो शाओवेन बोलता है कि हाँ, असिस्टेंट की सैलरी भी ज़्यादा होती है। तो लिंशी वहाँ से भागती है आर्चरी टीम के असिस्टेंट के लिए इंटरव्यू देने के लिए और रिज्यूम में सिर्फ अपना नाम और स्ट्रेंथ लिखकर देती है और स्ट्रेंथ भी ये कि वो कुत्ते और बिल्लियों को संभाल सकती है। तो कोच उससे पूछते हैं कि बस इतना ही। तो लिंशी बताती है कि वो शुरू से ही अपने घर को संभालती आई है प्लस उसके पास एक कुत्ता भी है जो उसको बच्चे के जैसा है और उसको उसने 2 mm से 2 किलोमीटर तक का बड़ा किया है। तो अगर कोच उसको ये जॉब देते हैं तो वो टीम मेंबर्स का भी ख्याल बिल्कुल वैसे ही रखेगी जैसे कि अपने कुत्ते का रखती है। तो कोच उसकी बात पे हंसने लगते हैं और कहते हैं कि उसे लिंशी की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लगी है बट ये काम बहुत
काफ़ी हैवी है, तो क्या लिंशी संभाल पाएगी? तो लिंशी बोलती है कि हाँ हाँ वो बिल्कुल अच्छे से कर लेगी। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कोच उसको लेकर आते हैं ग्राउंड पे जहाँ सभी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, और लिंशी को बताते हैं कि उन्हें जॉब के साथ साथ अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखना होगा। बट तभी वो देखते हैं शू फेंग को जो कि गलत तरीके से प्रैक्टिस कर रहा होता है और उसे थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं, तो शू फेंग को उसकी ही गलती की वजह से चोट लग जाती है क्योंकि शू फेंग ने एरो को अच्छे से नहीं होल्ड किया था। तो कोच कहते हैं देखा लापरवाही का नतीजा, और उस पर नाराज़ होते हैं कि वो टीम का कैप्टन होकर भी ऐसी गलती कैसे कर सकता है। उसे देखकर लगता है कि उसकी अपर बॉडी में कोई जान ही नहीं है और उस पर बहुत नाराज़ होते हैं। तो लिंशी भी शू फेंग के मज़े लेती है और बोलती है कि टीम के पास अगर ऐसा कमज़ोर कैप्टन होगा तो टीम स्ट्रांग कैसे बनेगी। और फिर ये भी देखती है कि शू फेंग को चोट ज़्यादा लगी है या कम, और नेक्स्ट सीन में उसके चोट पे बैंडेज लगाती है और यहाँ भी उसे टीज कर रही होती है। तो बेचारा शू फेंग कहता है कि आर्चरी में चोट लगना कॉमन है और वहाँ से चला जाता है। सीन में सभी को देखते हैं जिम में, और शू फेंग से कोच पूछते हैं कि क्या हुई, थक गई? उन्हें तो पहले ही पता था कि उसकी अपर बॉडी में जान नहीं है। और यहाँ लिंशी भी उसका खूब मजाक उड़ाती है। नेक्स्ट सीन में लिंशी कोच को सुनती है किसी से फ़ोन पे बातें करते हुए, जिससे कोच एक साल का टाइम मांगते हैं अपनी आर्चरी टीम के लिए। और बाद में लिंशी कोच से पूछती है कि क्या कोई प्रॉब्लम है, तो कोच बताते हैं कि आर्चरी टीम बहुत ही नई है इसीलिए सभी उनको मॉनिटर कर रहे हैं, अगर उनकी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी तो हो सकता है कि उन्हें टीम को तोड़ना पड़ जाए, और इसीलिए उन्हें शू फेंग से बहुत उम्मीदें हैं। बट शू फेंग बिल्कुल ही होपलेस है और लिंशी से कहते हैं कि वो अभी ये बात किसी को ना बताए। बट नेक्स्ट सीन में जिम में लिंशी ये बात शू फेंग को बताती है, तो शू फेंग कहता है कि कोच ने अभी तक किसी को ये बात इसलिए नहीं बताई होगी क्योंकि वो किसी को प्रेशर में नहीं डालना चाहते हैं, इसीलिए लिंशी भी ये बात किसी को ना बताए। तो लिंशी उठती है, म्यूजिक ऑन करती है और सभी को मोटिवेट करती है, बूस्टअप करती है मेहनत करते रहने के लिए। और तभी यहाँ पे बास्केटबॉल की टीम आती है जो सबसे पहले तो म्यूज़िक को ऑफ करती है और आर्चरी टीम को जोकर बोलकर उनका मजाक उड़ाती है और कहती है कि आर्चरी टीम खुद को इतना सीरियसली ना ले, ना ही उन्हें जिम की कोई ज़रूरत है, इसीलिए वो लोग यहाँ से निकल जाएं। इसके बाद दोनों टीम में लड़ाई चालू हो जाती है, हालांकि मारने पीटने वाली शुरुआत आर्चरी टीम के ही एक मेंबर ने की थी और लिंशी और शू फेंग उनको रोकने की कोशिश करते हैं जिसमें कि लिंशी भी नीचे गिर जाती है। नेक्स्ट सीन में कोच देखते हैं अपनी पिटी हुई सेना को और बोलते हैं कि एक निशाना तो ठीक से लगाने आता नहीं, चले हैं महाभारत लड़ने। और सबसे ज़्यादा वो शू फेंग पे गुस्सा होते हैं क्योंकि वो कैप्टन है और कैप्टन के होते हुए भी ये सब कुछ कैसे हो गया, उसने टीम को क्यों नहीं संभाला। और यहाँ लिंशी शू फेंग की साइड लेती है कि गलती शू फेंग की नहीं है, वो लड़ाई रुकवाना चाहता था बट सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। बट कोच उसकी बात नहीं सुनते हैं और शू फेंग को 1000 सूट्स करने को कहते हैं। और यहाँ लिंशी शू फेंग को बहुत ही प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है कि जब गलती पूरी टीम की है तो पनिशमेंट सिर्फ शू फेंग को क्यों मिल रही है, बट कोच उसकी बात नहीं सुनते हैं। नेक्स्ट सीन में शू फेंग को देखते हैं अपनी पनिशमेंट पूरी करते हुए और रात हो चुकी थी। और यहाँ पे जियांग और लिंशी भी आते हैं और जियांग लिंशी से बोलता है कि वो अब टीम की सच्ची मेंबर बन चुकी है क्योंकि उसने टीम की साइड ली, और बोलता है कि उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि उसने शू फेंग को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, वो भी कोच के सामने। तो लिंशी बोलती है कि वो इसलिए क्योंकि शू फेंग को सिर्फ वो बुली कर सकती है और कोई नहीं, और वैसे भी गलती पूरी टीम की थी तो पनिशमेंट सिर्फ शू फेंग को क्यों मिली। जो भी हो, शू फेंग की केयर तो करती है। नेक्स्ट सीन में शू फेंग होता है चेंजिंग रूम में और इतने सारे एरो शूट करने के बाद उसके हाथों में दर्द हो रहा होता है। तभी वहाँ पे आती है लिंशी और बोलती है कि उसे तो टीम का कैप्टन होना ही नहीं चाहिए, एक तो सबकी गलती की सज़ा उसे मिली और कोई उसे अप्रिशिएट भी नहीं कर रहा है। तो लिंशी बोलता है कि उसे भी लगता है कि वो किसी भी खेल के लिए सुटेबल नहीं है और उसे कैप्टन तो होना ही नहीं चाहिए, बल्कि उसे होना ही नहीं चाहिए। तो लिंशी बोलती है कि इतना भी डिप्रेस ना हो यार, क्या ये कम है कि अपनी लाइफ में वो महान लिंशी से मिला? और फिर उसे बोलती है कि कोच उससे बहुत उम्मीदें रखते हैं इसीलिए उसे इतना कुछ सुनाया। बट शू फेंग बोलता है कि वो नहीं चाहता है कि कोच से कोई भी उम्मीदें रखें। तो लिंशी उसे फिर से पंजा लड़ाने को बोलती है और कहती है कि जो हारेगा उसे जीतने वाले की बात माननी पड़ेगी। तो शू फेंग भी रेडी हो जाता है और फिर दोनों पंजा लड़ाते हैं, और शू फेंग के हाथों में पहले से ही दर्द था तो लिंशी इस बार ट्रिक करके उसे जीत जाती है। और शू फेंग उसे पूछता है कि क्या उसे उसकी पॉकेट मनी वापस चाहिए, तो लिंशी बोलती है कि नहीं, बल्कि वो चाहती है कि शू फेंग अपनी हिम्मत ना हारे और अपनी कैप्टेंसी भी ना छोड़े, बल्कि वो हार्ड वर्क करे और अपनी टीम के लिए एक एग्जांपल बने। उसे पता है कि शू फेंग को मनाना कैसा है और शू फेंग भी उसकी बात मान लेता है। इधर देखते हैं लिंशी के भाई को जो कि गेम खेल रहा होता है, और गेम में सभी उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं कि उसकी स्ट्रेटेजी बहुत ही कमज़ोर है, वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है तो पहले अपने आप को स्ट्रांग बनाए, अपनी स्कूलिंग पूरी करे, उसके बाद गेम खेलने आए। जिसके बाद लिंशी का भाई कॉल करता है अपने एक फ्रेंड को और पूछता है कि क्या वो किसी डाली नाम के इंसान को जानता है अपने एरिया में, अगर हाँ तो वो उसका एड्रेस दे, वो उसे पीटेगा। तो उसका फ्रेंड बताता है कि डाली रॉन्ग सिटी में रहता है, तो क्या वो उसे रॉन्ग सिटी में जाकर पीटेगा, और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में लिंशी आई होती है अपनी मॉम से मिलने के लिए और उसकी मॉम उसको लेकर आती है हॉस्पिटल के उस हॉस्टल में जहाँ वो रहती हैं। तो लिंशी पूछती है कि यहाँ पे तो किचन भी नहीं है, तो उसकी मॉम खाना कहाँ बनाती हैं? तो उसकी मॉम बोलती हैं कि वो खाना ऑनलाइन मंगवा लेती हैं।
तो लिंशी सैड हो जाती है और अपनी मॉम से कहती है कि वो अपनी लाइफ इतनी डिफ़िकल्टीज़ में जी रही हैं तो क्यों नहीं वो वापस से उन लोगों के साथ रहने लग जाती हैं। बट अगेन उसकी मॉम टॉपिक चेंज कर देती हैं, उसे प्रेजेंट देती हैं और कुछ पॉकेट मनी भी। बट लिंशी बोलती है कि उसे पैसे की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके पास पैसे हैं, वो बस इस बात से खुश है कि वो फाइनली अपनी मॉम के पास आ गई है, जब चाहे तब उनसे मिल सकती है, उनके साथ खाना खा सकती है और यही चीज़ उसके लिए काफ़ी है। तो उसकी मॉम उसे हग कर लेती है और फिर लिंशी बोलती है कि अगर मॉम के लिए उनके साथ वापस आना मुश्किल है तो डैड और उसका भाई रॉन्ग में आ जाएंगे और फिर जब वो भी ग्रेजुएट हो जाएगी तो सभी लोग एक साथ रॉन्ग में ही रहेंगे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो एपिसोड 4 की एक्सप्लेनेशन यहीं पे होती है खत्म। आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे इनकरेज करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। सायनारा।